रायबरेली जनपद के महाराजगंज कस्बे में धड़ल्ले से बिक रहा चाइनीज मांझा, रोड पर दौड़ दौड़ कर उड़ा रहे बच्चे पतंग, लगातार हो रही घटनाएं, प्रशासन है बेखबर। बताते चले मकर संक्रांति पर्व पर पतंगबाजी भी जोर शोर से होती है, वहीं प्रतिबंध के बावजूद बाजार में चाइनीज मांझे की धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। मकर संक्रांति पर्व पर बच्चे जवान सभी पतंगे उड़ाने का आनंद लेते हैं, वहीं पतंगे काटने की होड़ में मांझा भी जमकर प्रयोग होता है। मांझे के बाजार पर कुछ वर्षों से चीनी उत्पाद ने कब्जा कर लिया है। देशी मांझे में जहां सूती धागे पर मांझा चढ़ाया जाता है, वहीं चीनी मांझे में प्लास्टिक के धागे पर मांझा चढ़ाया जाता है। इससे चीनी मांझा काफी खतरनाक हो जाता है, ये आसानी से टूटता नहीं है और इसकी चपेट में आने वाला गंभीर रूप से घायल हो जाता है। ये खतरनाक चीनी मांझा कई की जान भी ले चुका है। हालांकि प्रशासन ने चाइनीज मांझे की बिक्री पर कई वर्ष पूर्व प्रतिबंध लगा दिया है, बावजूद इसके चोरी छुपे इसकी बिक्री जारी है। प्रशासन के लोग कुछ दुकानों पर छापेमारी कर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लिया करते हैं। चाइनीज मांझे की चपेट में आने से प्रतिवर्ष कई लोग जख्मी हो जाया करते हैं। वहीं मंगलवार को चाइनीज मांझा पतंग पांव में फंसने से महाराजगंज निवासी अनिल कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महाराजगंज में चल रहा है।